नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय मिश्रा और आप देख रहे हैं बाणभट्ट टाइम्स। बाणभट्ट टाइम्स में आज मैं आपको वीडियो रिव्यू दिखाऊंगा। ये रिव्यू दिखा रहा हूं मैं, एक वीडियो मिली है हमको जो सवर्ण मित्र मंडल फेसबुक पेज में अपडेट की गई है। ये वीडियो में जो एक खास वर्ग है आज अपने समाज में, हिंदू समाज में, जिस वर्ग को सरकार ने एससी एसटी की संज्ञा दे रखी है, वही वर्ग जो आज अपने आप को सबसे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग मानता है, उसी वर्ग के कुछ पढ़े लिखे लोग जो टीचिंग के माध्यम से इस तरह से बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। क्या कितना सही है ये वीडियो अपने आप में, क्या सिखाया जा रहा है इन बच्चों को, आप वो देखिए। और इस तरह की वीडियो अगर समाज में आती रहेंगी तो स्वाभाविक से बात है कि हिंदू हमेशा ही बटता रहेगा, कभी एक नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस वीडियो को और आप तय करिए कि क्या सही मायने में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। हम सब भारत के क्या हैं? हिंदू नहीं है? अब कोई कहेगा कि हिंदू, आप लोग हिंदू हो तो बोलिएगा सर हम हिंदू नहीं हैं। तो कहेगा आपको कौन बताया? आपको कहना कि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको बता के चले गए हैं कि हम सब हिंदू नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। क्या हम भारत के मूल निवासी हैं? हम भी किसी पाखंडवाद को नहीं मानते हैं। क्या हम किसी पाखंडवाद को मानेंगे? क्या पाखंडवाद को मानेगा वो एक प्रकार का क्या होता है, मानसिक का गुलाम होता है। मानसिक गुलाम का मतलब वो पागल होता है। हम सब तो पागल नहीं है ना? हम सब भारत के क्या है? मूल निवासी हैं। हम सब हिंदू नहीं हैं? हिंदू का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का पालतू, ब्राह्मण का पालतू। हम सब किसी भी ब्राह्मणी चीज को नहीं मानेंगे और हम सब पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सब लिखेंगे, सब आईएएस अधिकारी बनेंगे, हम सब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन किसी भी मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे। क्योंकि हमको मंदिर मस्जिद अधिकार दिया, हमको तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हम सब किसी मंदिर में नहीं जाएंगे। अब क्या हम सब मंदिर में पूजा नहीं करेंगे? हम सब किसका पूजा करेंगे? तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज ये जहरीली मानसिकता इन नवनिहालों के मन में कैसे भरी जा रही है। आज ये मासूम बच्चे इस तरह के मानसिकता के गुलाम होते जा रहे हैं। इसी मानसिकता के बच्चे जब बड़े होंगे तो यही आगे चलकर देश में गृह युद्ध का कारण बनेगा।